हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेरे कार में काफी ज्यादा फॉग हो रखा है और यहाँ पे बारिश का मौसम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है गोवा में। तो मैंने सोचा गाइस कि क्यों ना हम जो डिफॉगर मिलता है आपको ह्यूंडई वेन्यू में, वो टेस्ट करें और मुझे आपको भी दिखाने का मौका मिल जाएगा कि कैसा जो डिफॉगर है ह्यूंडई वेन्यू का वो काम करता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने पर्पजली जो एसी है कार की वो ऑन नहीं रखी है, क्योंकि मुझे शूट करना था और मुझे देखना था कि कितना इफेक्टिव है जो डिफॉगर ह्यूंडई वेन्यू में मिलता है। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार गाइस, आप देख ही सकते हैं कैसा जो फॉग है वो यहाँ पे जमा हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रंट ग्लास में गाइज अभी ऊपर की तरफ थोड़ा कम है, बट नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉग है और बाकी के जो चारों विंडो है और पीछे भी आप देख सकते हैं, पीछे तो भयंकर वाला फॉग हो रखा है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको फॉग हटाने के लिए वो ये करनी होगी कि आपको जो एसी है वो अपनी ऑन कर लेनी है। और आपने एसी ऑन की और ऐसा कोई ये नहीं है गाइज, अगर आपको इंस्टेंट फॉग हटाना है तो आपको जो अपना ये है कंट्रोल है एसी का वो यहाँ पे रखना है, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे रखेंगे तो जो क्या होता है कि जो सामने वाले जो एसी वेंट, आप देख सकते हैं गाइस कितना जल्दी यहाँ पे जो पूरा फॉग था वो जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो एक दो तीन ग्लास ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं और पीछे वाला धीरे धीरे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने यहाँ पे जस्ट ऑन किया और ऑलरेडी फॉग चला गया था पूरी तरह से। तो अब गाइस ट्राई करते हैं रियर डिफॉगर ऑन करने का। तो आपको ये रियर डिफॉगर वाला बटन ऑन करना है और आपको एक साउंड आएगा टिक करके, पता नहीं कहां से आता है, वो स्टेयरिंग के पास से आता है जहां पे फ्यूज बॉक्स होता है वहां से। तो आपको ये जो पोजिशन है वो यहां पे करनी है और हम देखते हैं गाइस। अब आप देख सकते हैं गाइस, पहले जो लाइंस थी डिफॉगर वाली अब वो नहीं दिख रही थी और अब ग्लास के ऊपर लाइंस दिख रही हैं और धीरे धीरे वो लाइंस जो है वो वाइड होते जा रही हैं। मैं ट्राई करूंगा गाइस आपको दिखाऊं कि कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मुझे लगता है लगभग ये 20-25 या फिर 30 सेकेंड लेगा। आप देख ही सकते हैं गाइस कितना क्विक हो रहा है ये। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है 25 या फिर 30 सेकंड में ये क्लीन हो जाता है, कितना भी भयंकर फॉग क्यों ना हो। तो देख सकते हैं गाइस अब पूरा क्लीन हो गया और ये वाला ग्लास भी अब क्लीन हो गया है और पूरे जो ग्लास है कार के वो प्रॉपरली क्लीन हो गए हैं। तो यार गाइस, मेरे हिसाब से काफी अच्छा आपको जो डिफॉगिंग सिस्टम है वो मिलता है ह्यूंडई वेन्यू में। अगर आपको गाइस अच्छा लगा और आप ऑलरेडी ह्यूंडई वेन्यू ऑन करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस है डिफॉगिंग सिस्टम के साथ ह्यूंडई वेन्यू के। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।